हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है अला वेंकुटा लो अला वेंकुटा लो फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सेटेलाइट चैनल कौन से यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक डिटेलिंग देने वाला हूँ फिल्म का प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी के ऊपर हम बातचीत करने वाले डिटेलिंग में सभी चीजें जानने वाले इसके अलावा फिल्म की स्टोरी एनालिसिस होने वाली है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम डीप में चर्चा करने वाले हैं ओवरऑल फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहेगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं अल्लाह वेंकुटापुरमलो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज इन वेंकुटापुरम अलाव वेंकुटापुरम लोग फिल्म को ए के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले writing ये सभी चीजें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासीन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बना बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते यह बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समूथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सोनी निल, सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद पद्म सूरी राहुल रामाकृष्णन अजयलाव चमक चंद्रदी कल्याण सौगंध वैष्णवी चैतन्य और ब्रह्मानंदम जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने की हुई एडिटिंग की हुए नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे थमन ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफ़ी दमदार है जो काफ़ी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 100 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई एम फिल्म को करीबन सोलह हजार वोट मिले थे जहां पे सात पॉइंट तीन की एवरेज रेटिंग के साथ दो सौ बासठ करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे इस करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉक साबित हुई थी जहां पर फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पे जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने सौ करोड़ का दो मिलियन करने वाली ये फिल्म थी 2020 की। इसके अलावा, इस फिल्म ने पहली बार दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए और त्रिविक्रम के करियर में एक पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आज और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज के बाद ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने करीबन डेढ़ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने दो करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की ये फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे एक करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक बस्टर का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहाँ पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दोस्तों 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे वहां पर उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्शन and acting. और म्यूजिक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहाँ पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का्तिके ने जोहलो अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाले लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और कृति सिंह जिसकी वजह शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल, जल्द थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लू अर्जुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अल्लाह उनको टापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फिल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पर ध्यान दे के करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शहजा के मेकर्स ने टांग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फ़िल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाह उन्कुटापुरम लोग हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला उन्कुटापुरम लोग टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो पुरम लो फिल्म में टोटल आपको छः गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है जो टोटल लेंथ इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पे अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमाइंस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अलाह वकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अडा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलाविंग को टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोल्स के चैनल के ऊपर ही ही देखने को मिलेगी यानी कि के के ऑफिशियल चैनल ऊपर बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगु लैंग्वेज में विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इंजॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दो तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहां पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी के अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का वह बीवी और वाल्मीकि की बीवी दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिस अंडरस्टेंडिंग होती है जो एक्शन सीक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन

आपको और भी बेहतरीन तरीके से पसंद आएगी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है स्थमन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें जरा भी खलते नहीं है सुनने में काफी मजा देते सम्राज्य औगमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफी बढ़िया तरीके से हिट पी साबित हुए थे तो म्यूजिक फिल्म का काफी बढ़िया जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होता है और हर एक फ्रेम आपको काफी रीच नजर आएगी जिस तरह से के किरदार को शोकेस किया जरूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन नुली ने किए उन्होंने एक सौ पैंसठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन जरा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तरीके से किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलते ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत है ना तो कुछ ऐसे वलगा वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस डायरेक्टर का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अवल दर्जे की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पे हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि, कि गोलमाइन्स के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविज़न चैनल ढिंचाक पर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मिनी टी ने सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ

ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगू टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था मार्केट में इतने चलने के बाद भी अगर ती, टीआरपी आती है आज के समय पर जब ओ का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविज़न पे ये फिल्म जरूर इंजॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अला वेंकुटापुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अला वेंकुटापुरम लो फिल्म को ए बी पी एल के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले राइटिंग ये सभी चीज़ें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासीन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बनने फिल्म में यह बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते यह बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लो अर्जुन के सामने ये बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लो अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राज मनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समुथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद परदस पद्म राहुल

किए हुए और दोनों काफी दमदार है जो काफी बड़ी मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफी बड़ी तरह से साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के के सर्टिफिकेट लेते हुए बारह जनवरी दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई एम डी बी पे फिल्म को करीबन सोलह हजार वोट मिले थे जहां पे सात पॉइंट तीन की एवरेज रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी रेटिंग के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से धमाका करने में कामयाब रही थी जहाँ पे फिल्म ने सौ करोड़ के बजट के सामने दो करोड़ से भी ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे करते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम लोक साबित हुई थी जहाँ पर फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया था पहले दिन पर जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो एट्टी करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था और 2020 में यह फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन यूएस बॉक्स ऑफिस पे टच किया हुआ था इसी करने वाली यह पहली फिल्म थी 2020 की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आती है और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफी मुश्किल बात होता है और

एक थी तो इस तरह से इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जहीं वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे तिरसठ करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस ब्लॉक बस्टर का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहां पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दो सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बंपर कलेक्शन किए थे वहाँ पर और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ 26 करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुँच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्शन एक्टिंग और म्यूज़िक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहाँ पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का्तिके ने जोलू अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाली है लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुर जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और कृति नान जिसकी शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लोर्जुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोल वालों ने फैसला लिया था कि अल्लाउ उनको टापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फ़िल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पर ध्यान दे कंप्लीट करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शेजादा के मेकर्स ने टांग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थियेटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फ़िल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाह कुटापुरम लो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला वेंकुटापुरम लोग टेलीविजन पे प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफी हद तक इस फिल्म को काफी बार देख चुके है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अलाह वेंकुटापुरम लो फिल्म में टोटल आपको छः गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्राज अवगमना दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना है ओ ओमाई को डेडी चौथा गाना है बूटा बोमा पांचवा गाना है अला वेंकुटापुरम लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है सितारला सितपरू इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए हैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पर अवेलेबल है जिसको आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते तो अला वेंकुटा लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स खरीद लिए थे जहां पे गोलमांस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अलाह वेंकुटा पुरम का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविज़न पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविज़न पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो इनको टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविजन पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविजन पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म यूट्यूब अवेलेबल होगी तो वो आपको के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि के ऑफिशियल चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगु लैंग्वेज में विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इंजॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहां पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी कंपनी में रामचंद्र को उस अपने बॉस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का बीवी की की दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश की हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन सिक्वेंस

इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे स्मन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते जाओगा मना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल

साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलती ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत है ना तो कुछ ऐसे वलगा वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस डायरेक्टर का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अव्वल दर्जी की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स इस पे हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि कोलमाइंस के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविज़न पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशियल प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मिनी टी ने सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी देखने को मिलेगा पे वर्जन है। अंगु जिसको किया हुआ है वही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसके अलावा इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो जेमिनी मूवीज और जेमिनी टीवी पर दो को ही प्रीमियर करवा दिया गया था जहां पे तेलुगु वर्जन आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे फिल्म का तमिल वर्जन है उसको सन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगु टीआरपी वो काफ़ी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था 29.4 का तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये फिल्म का क्रेज मार्केट में कितना है फिल्म किस कदर बनी होगी जिस वजह से लोग इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके हैं थिएटर में इतने चलने के बाद भी अगर टी टी वी इतनी टी आर पी आती है आज के समय पर जब ओ का समय है उस टाइम पर तो काफ़ी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविजन पर फिल्म जरूर इंजॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइन्स के टेलीविज़न चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अला वेंकुटापुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अला वेंकुटापुरम लो फिल्म को ए बी पी एल के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है scripting, screenplay, writing. ये सभी चीज़ें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हसीन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बना बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस इस फिल्म में जिसके जिसके चलते चलते बजट बजट आसानी से कवर हो सकता है प्रोड्यूसर्स ने को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समुथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सून सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद परदस पद्मसूरी सूरी राहुल रामाकृष्णन मेनेला किशोर अजय तनिकेला परानी ब्रह्माजी रोहिणी स्वरी राव चम्भ चंद्र आदि कल्याणी नटराजन श्री साध वैष्णवी चैतन्य और ब्रह्मानंदम जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी एस विनोद ने किए एडिटिंग की हुए नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफ़ी दमदार है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो सौ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला

करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और दो हजार फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन बॉक्स ऑफिस टच किया हुआ था इसी करने वाली पहली फिल्म थी 2020 की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में एक पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आती और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफ़ी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज़ के बाद ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने करीबन करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने दो करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइय ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की ये फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 हजार की सबसे हाईस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जहीं वहां काफ़ी हाई थे तिरसठ करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहां पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे वहां पर और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते ये फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्ट एक्शन एक्टिंग और म्यूजिक इन सभी चीजों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहां पर तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का ने जो अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाले लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटापुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज़ करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बेंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और प्रीति जिसकी शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लोजुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अलाउन इनको टापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फिल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पर ध्यान दे कंप्लीट करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शहजा के मेकर्स ने टांग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फिल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अला विकुटापुरम लो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला उन्कुटापुरम लो टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो पुरम लो फिल्म में टोटल आपको गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना 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 है ओ गाना है बोमा, गाना है डेडी चौथा लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है ला परु। इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर सकते साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पे अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम अब बात कर लेते हैं तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमांस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अला वेंकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिन्चाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिन्चाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अल्लाह टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोल के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्ज़न देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलुगू लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी के अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का वह बीवी और वाल्मीकि की बीवी दोनों प्रेग्नेंट हैं और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफी बेहतरीन थे एक्शन सिक्वेंस

इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे समन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते सम्राज्य और गमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल हो होता है कैमरा वर्क पे एस विनोद ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है इस पूरी फिल्म को काफी कलरफुल मैनर में हर एक फ्रेम को रिच फ्रेम के थ्रू सेट किया हुआ था और हर एक फ्रेम आपको काफ़ी रीत नजर आएगी जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है हैलुआज के किरदार को शोकेस किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है उन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तर, तरीके से डिरेक्ट किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके थी है, फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत ना तो कुछ ऐसे वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसे कि सभी डायरेक्टर का, का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जी की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि गोलमाइन के पास थे जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल हिंचक पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी टीवी ने सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स और, और रिलीज किया हुआ है वही के ऊपर कि ही इसके अलावा इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो जेमिनी मूवीज और जेमिनी टीवी पर दो हजार बीस को ही प्रीमियर करवा दिया गया था जहां पर तेलुगु वर्जन आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे फिल्म का तमिल वर्जन है उसको सन टीवी के पर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगु टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था का तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का क्रेज़ मार्केट में कितना है फिल्म फिल्म किस कदर बनी होगी जिस वजह से लोग इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके हैं थियेटर में इतने चलने के बाद भी अगर ती, पे इतनी टीआरपी आती है आज के समय पर जब ओ का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविजन पर फिल्म जरूर इंजॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अल्लाह वेंकुटा लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज इन वेंकुटापुरम अलाव वेंकुटापुरम लोग फिल्म को ए के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले writing ये सभी चीज़ें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासीन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बना बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते ये बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लो अर्जुन के सामने ये बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लो अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राज मनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समूथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद परदस पद्म राहुल मा कृष्णन मेनेला किशोर अजय तनिकेला आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने की हुई एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफी दमदार है जो काफी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 100 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई पे इस फिल्म को करीबन सोलह वोट मिले थे जहाँ पे सात की एवरेज रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी काफी बढ़िया तरीके से धमाका करने में कामयाब रही थी जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने दो करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे करते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑल टाइम साबित हुई थी जहां पर फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पर जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो एट्टी करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और 2020 में ये फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन यूएस बॉक्स ऑफिस पे टच किया हुआ था इसी करने वाली ये पहली फिल्म थी 2020 की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आती है और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज के बाद ऐसी ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने बासठ करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जहीं वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफी हाई थे एक डिस्ट्रीब्यूशन तिरसठ कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहां पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दो सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बंपर कलेक्शन किए थे वहां पर और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नामे में दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुँच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसका मेन रीज़न है फिल्म की जो राइटिंग डायरेक्शन एक्टिंग और म्यूज़िक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहां पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का ही ने जो अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाली है लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटापुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और कृति सिंह जिसकी वजह शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लु अर्जुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अल्लाह उनको टापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फिल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पर ध्यान दे कंप्लीट करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शहजा के मेकर्स ने टांग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फिल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाहकुटापुरम लो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अलाह वेंकुटापुरम लोग टेलीविजन पे प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफी हद तक इस फिल्म को काफी बार देख चुके है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अलाह वेंकुटापुरम लो फिल्म में टोटल आपको छः गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्राज जवगमना दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना है ओ ओमाई को डेडी चौथा गाना है बुटा बोमा पांचवा गाना है अला वेंकुटापुरम लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है सिताराला सितपरू और इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पर अवेलेबल है जिसको आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स खरीद लिए थे जहां पे गोलमाइंस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अला वेंकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अडा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलावनकोटापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को तो फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको के के चैनल ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि के के ऑफिशियल चैनल ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विध इंग्लिश सब टाइटल तेलगु लैंग्वेज में विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इंजॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी टेलिंग दो तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहां पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी के अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का वह बीवी और वाल्मीकि की बीवी दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन

इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे स्थम का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते समराज्यव गमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होता

साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलती ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत है ना तो कुछ ऐसे वलगा वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस डायरेक्टर का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अवल की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस इस पे हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि, कि गोल्ड माइन्स के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविज़न पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी टी ने सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ

के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगु टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था उन्तीस का तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का क्रेज मार्केट में कितना है फिल्म किस कदर बनी होगी जिस वजह से लोग इस फिल्म को काफी बार देख चुके हैं थिएटर में इतने चलने के बाद भी अगर टी, टीवी पे इतनी टीआरपी आती है आज के समय पे जब ओ टी टी का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी जहां पे टेलीविजन पे फिल्म जरूर इंजॉय कर पाओगे अगर से ज्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको शेज़ आदा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शेज़ आदा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइन्स के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पे गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अला वेंकुटापुरम लो फिल्म में टोटल आपको छह गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्राज अवगमना दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना है ओ ओमाई को डेडी चौथा गाना है बुटा बोमा पांचवा गाना है अला वेंकुटापुरम लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है सिताराला सिता तो इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहाँ पे आप इन कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पे अवेलेबल है, जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमांस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अला वेंकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलावेंको टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को तो फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोल के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्ज़न देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलुगू लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का वह बीवी और वाल्मीकि की, की बीवी दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और, और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सीक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले का काफी तगड़ा था डायलॉग्स काफी बेहतरीन थे एक्शन सीक्वेंस भी बेहतरीन थी जिस तरह से उन्होंने बखूबी निभाते हुए नजर आते अल्लू अर्जुन अकेले अपने कंधे पर पूरी फिल्म को काफी बेहतरीन वे में ले जाते इस रोल के लिए उन्होंने काफी बेहतर काम किया हुआ है आसानी से वो आपको इंप्रेस कर जाएंगे उनके एक्शंस उनके डांस मूव्स आपको जरूर पसंद आने वाले उनके डायलॉग डिलीवरी आपको और भी बेहतरीन तरीके से पसंद आएगी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफी बढ़िया काम किया हुआ है थमन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को सीन और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें जरा भी खलते नहीं है सुनने में काफी मजा देते समराज्यवगमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूजिक फिल्म का काफी बढ़िया जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होता है कैमरा वर्क पी एस विनोद ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है इस पूरी फिल्म को काफी कलरफुल मैनर में हर एक फ्रेम को रिच फ्रेम के थ्रू सेट किया हुआ था और हर एक फ्रेम आपको काफ़ी रीत नज़र आएगी जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है लोअज के किरदार को शोकेस किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है उन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तर, तरीके से डिरेक्ट किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके थी ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत ना तो कुछ ऐसे फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसे कि सभी परफॉर्मेंस डायरेक्टर का, का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफी अव्ल दर्जे की जिस वजह से यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट जैसे मैंने कहा कि गोलमेन्स के पास थे जिन्होंने फिल्म को डॉप करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूबियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी अलाव वेंकुटापुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अलाव वेंकुटापुरम लो फिल्म को ए बी पी एल के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है scripting, screenplay, writing. ये सभी चीजें उन्होंने ही क्रिएट किए हुए हैं मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अलग जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासीन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहां पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते यह बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समूथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सोनी निल, सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद पद्म सूरी राहुल रामाकृष्णन किशोर अजय तनिकेला ब्रह्माजी स्वरी, राव हाइपर अजयलाव चमक चंद्रदी कल्याण सोगंध वैष्णवी चैतन्य और ब्रह्मानंदम जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने की हुई एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफ़ी दमदार है जो काफ़ी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो सौ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट लेते हुए बारह जनवरी दो को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहाँ पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आईएमडीबी एम डीबी फिल्म को करीबन सोलह हजार वोट मिले थे जहां पर तो फिल्म के सामने दो सौ बासठ करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे कहते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉक साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पे जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो एटी फाइव करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और दो में ये फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन यू बॉक्स ऑफिस पर टच किया हुआ था इसी करने वाली ये पहली फिल्म थी दो की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आज और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफ़ी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज़ के बाद ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने डेढ़ सौ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थिएटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने दो करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की ये फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 हज़ार की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जही वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे एक करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहाँ पर फिल्म ने पहले दिन पर चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दोस्तों 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में कर बम्पर कलेक्शन किए थे वहां पर उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुँच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्शन and acting और म्यूज़िक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहाँ पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का्तिके ने जोलू अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाली है लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज़ करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बेंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और कृति से जिसकी शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लो अर्जुन का क्रेज काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोल वालों ने फैसला लिया था कि अलाउन कोटापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फिल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पे ध्यान दे के करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शहजा के मेकर्स ने टांग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फ़िल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाह उंकुटापुरम लोग हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अल्लाह उंकुटापुरम लोग टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अला वेंकुटापुरम लो फिल्म में टोटल आपको छह गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्राजना दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना गाना है ओ गाना है ओ डेडी चौथा बुटा बोमा गाना है लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है ला इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पे अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते तो अला वेंकुटा लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमांस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अलाह वेंकुटा लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलाविंग को टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पे यूट्यूब पे फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोलमाइंस के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगू लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहां पे रामचंद्र का की की बीवी दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों, दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश की हुए हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन सिक्वेंस

इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे स्थम का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते सम्राज्य अवगमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होता कैमरा वर्क विनोद ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है, पूरी फिल्म को काफी कलरफुल मैनर में हर एक फ्रेम को रीच फ्रेम के थ्रू सेट किया हुआ था और हर एक फ्रेम आपको काफी रीत नजर आएगी जिस तरह से उन्होंने सभी चीजों को सोकेस किया हुआ है, के को सोकेस किया हुआ है, वो आपको जरूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है उन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तर, तरीके से डिरेक्ट किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलती ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत थे ना तो कुछ ऐसे वल्गारीटी वाले सीन है जिस वजह से यह फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस डायरेक्टर का, का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अव्वल दर्जी की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पर उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मिनी टीवी ने सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ

प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगु टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था 29.4 का तो आप इससे इस बार देख चुके हैं थियेटर में इतने चलने के बाद भी अगर टीआरपी टी आती है आज के समय पर जब ओ का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविज़न पे फिल्म ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अल्लाह वेंकुटा पुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म को ए के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले writing ये सभी चीज़ें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासिन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बना बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते यह बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने ये बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समुथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद पद्म सूरी राहुल राम कृष्णन वेनेला किशोर अजय तनिकेला आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने किए हुए एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे हमने क्रिएट किए हुए और दोनों काफी दमदार है जो काफी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 100 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई पे इस फिल्म को करीबन सोलह वोट मिले थे जहाँ पे सात की एवरेज रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी काफी बढ़िया तरीके से धमाका करने में कामयाब रही थी जहां पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने दो भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे करते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस ऑल ब्लॉक बस्टर साबित हुई थी जहाँ पर फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पे जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो एटी करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और 2020 में ये फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन यूएस बॉक्स ऑफिस पे टच किया हुआ था इसी करने वाली ये पहली फिल्म थी 2020 की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आती है और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफ़ी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज़ के बाद ऐसी ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने करोड़ से ज़्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जहीं वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे तिरसठ करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर से ब्लॉक बस्टर का टेग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहाँ पे फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया, किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे पे और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ 26 करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्शन एक्टिंग और म्यूजिक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहां पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का ने जो अल्लू अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाले लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज़ करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और प्रीति जिसकी शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लोजुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अल्लाउन को लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फ़िल्म के गानों को और फिल्म के डबिंग पर ध्यान दे के करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शेजादा के मेकर्स ने टांग अडा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फिल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाह वेंकुटापुरम लोग हिन्दी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शेजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला वेंकुटापुरम लोग टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके हैं अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अला वैंकुटापुरम लो फिल्म में टोटल आपको छः गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्रा जवागमना दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना है ओमाई को डे डी चौथा गाना है बूटा बोमा पांचवा गाना है अलाविंग टापोरम लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है सीताराला सितपरू और इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफ़ी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज़ हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पर अवेलेबल है जिसको आप आसानी कर पाओगे। तो दोनों, तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे। हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए, लेकिन ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल नहीं है इसके अलावा, ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी, उसके ऊपर हम आप बात कर लेते हैं। तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमाइंस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अला वेंकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फ़िलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिन्चाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलावेंको टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पे YouTube पे फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म YouTube पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोलमाइंस के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगू लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दू तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी के अपने बॉस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का बीवी की की दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिकवेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन भी बेहतरीन थी जिस तरह से उन्होंने फिल्म को डिलेक्ट किया हुआ है वो सिंपल स्टोरी को और बेहतर बनाते हुए नजर आते हैं इसके अलावा फिल्म के स्टार स्टारकाश यहाँ पे अल्लू अर्जुन पूजा हेगड़ी तब्बू जयराम सुशांत निविदा पेथोराज अपना रोल बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं अल्लू अर्जुन अकेले अपने कंधे पर पूरी फिल्म को काफी बेहतरीन वे में ले जाते हैं इस रोल के लिए उन्होंने काफी बेहतर काम किया हुआ है आसानी से वो आपको इंप्रेस कर जाएंगे उनके एक्शंस उनके डांस मूव्स आपको जरूर पसंद आने वाले हैं उनके डायलॉग डिलीवरी आपको और भी बेहतरीन तरीके से पसंद आएगी इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे थमन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते सम्राज्यवना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल हो

साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत है ना तो कुछ ऐसे वल्गारिटी वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस डायरेक्टर का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अव्वल दर्जी की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बोक्स इस पे हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि, कि गोलमेन्स के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब ऑफिशियल प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मिनी टी ने सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन को मिलेगी नेटफ्लिक्स और मलयालम रिलीज किया हुआ है वही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसके अलावा इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो जेमिनी मूवीज और जेमिनी टीवी पर दो हजार बीस को ही प्रीमियर करवा दिया गया था जहां पर तेलुगु वर्जन आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे फिल्म का तमिल वर्जन है उसको सन टीवी के प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलगू टीआरपी वो काफी, हाई था। उस समय का ब्रेकिंग टी था, काफी बार देख चुके हैं चलने के बाद भी अगर टीआरपी ती, आती है आज के समय पर जब ओ का समय है, उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविज़न पे फिल्म जरूर इन्जॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म ज़रूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइनस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर ज़रूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अला वेंकुटापुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अला वेंकुटापुरम लो फिल्म को ए बी पी एल के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पर फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है scripting, screenplay, writing. ये सभी चीज़ें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासिन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बना बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट बजट को जस्टिफाई जस्टिफाई किया हुआ है है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने ये आसानी से जस्टिफाई हो जाता कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समुथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सूनी निल, सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद पद्म सूरी राहुल रामाकृष्णन किशोर अजय तनिकेला ब्रह्माजी स्वरी, राव हाइपर आदि कल्याणी नटराजन पर सौगंध वैष्णवी चैतन्य और ब्रह्मानंदम जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने की हुई एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे स्थम ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफ़ी दमदार है जो काफ़ी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 100 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई पे इस फिल्म को करीबन सोलह हजार वोट मिले थे जहां पे सात पॉइंट तीन की एवरेज रेटिंग के साथ दो सौ बासठ करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉक साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पे जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन हासिल किया था और 2020 में ये दो मिलियन ग्रोस पे किया था, करने वाली ये फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए त्रिविक्रम के, के करियर में एक पहली फिल्म थी जिसने दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आज और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज के बाद ऐसी ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने करीबन डेढ़ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियेटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने दो करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की ये फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 हज़ार की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे एक करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉक बस्टर का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहाँ पे फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दोस्तों 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे वहां पर उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का दो कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्ट And acting or music. इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहां पर तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का ही ने जोहलो अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाली है लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटापुरम जिसमें जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और प्रीति सिंह जिसकी वजह शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लो अर्जुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अल्लाह उनको लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फ़िल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पर ध्यान दे कंप्लीट करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शेजादा के मेकर्स ने टाँग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फ़िल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पर प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीजन है जिसके चलते अला वेंकुटापुरम लो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शेजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अल्लाह वेंकुटापुरम लो टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अल्लाह वेंकुटापुरम

साथ ही में मलयालम और तमिल वर्ज़न भी वहीं पे अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते हैं तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमाइंस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अला वेंकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमांस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलावनकोटापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोल के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्ज़न देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगु लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का वह बीवी और वाल्मीकि की बीवी दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन

इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे स्थम का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते समराज्यव गमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होता कैमरा वर्क पी एस विनोद ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है इस पूरी फिल्म को काफी कलरफुल मैनर में हर एक फ्रेम को रिच फ्रेम के थ्रू सेट किया हुआ था और हर एक फ्रेम आपको काफ़ी रीत नज़र आएगी जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है अर्जुन के किरदार को शोकेस किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन उन्नी ने की हुई है उन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तर, तरीके से डिरेक्ट किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलते थी है, फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत ना तो कुछ ऐसे वाले सीन है जिस वजह से फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि एक्टर्स परफॉर्मेंस डायरेक्टर का, का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जे की जिस वजह से यह फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि गोलमाइन के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल हिंसक पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविज़न चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मिनी टी ने सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ

के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगू टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था उन्तीस का तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का क्रेज मार्केट में कितना है फिल्म फिल्म किस कदर बनी होगी जिस वजह से लोग इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके हैं थिएटर में इतने चलने के बाद भी अगर टी, टीवी पे इतनी टीआरपी आती है आज के समय पे जब ओ टी टी का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविजन पर फिल्म जरूर इंजॉय कर पाओगे अगर से ज्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी से ज्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पे गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अल्लाह वैंकुटा पुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अलाव वेंकुटापुरम लोग फिल्म को ए के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले writing ये सभी चीजें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा राधा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासिन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहां पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते ये बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लो अर्जुन के सामने ये बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लो अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समुथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सुनील सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद परदस पद्म राहुल कृष्णन मेनेला किशोर अजय तनिकला में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने की हुई एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे क्रिएट किए हुए और दोनों काफी दमदार है जो काफी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 100 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई पे इस फिल्म को करीबन सोलह वोट मिले थे जहाँ पे सात की एवरेज रेटिंग मिली हुई है दस में से तो एक अच्छी खासी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी बढ़िया तरीके से धमाका करने में कामयाब रही थी जहाँ पे फिल्म ने 100 करोड़ के बजट के सामने दो करोड़ से भी ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे करते हुए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम लोक साबित हुई थी जहाँ पर फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पर जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो एट्टी करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और 2020 में ये फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन यूएस बॉक्स ऑफिस पे टच किया हुआ था इसी करने वाली ये पहली फिल्म थी 2020 की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आती है और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफ़ी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज़ के बाद ऐसी ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई जिसने करीबन डेढ़ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने बासठ करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म काफी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जहीं वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे तिरसठ करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस ब्लॉक बस्टर का टेग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहां पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ 26 करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्शन एक्टिंग और म्यूज़िक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहाँ पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिवकाथिके के ने जो अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाले लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और कृति जिसकी वजह शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और ये फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लोर्जुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोल वालों ने फैसला लिया था कि अल्लाउन को टापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फ़िल्म के गानों को और फिल्म के डबिंग पर ध्यान दे कंप्लीट करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शेजादा के मेकर्स ने टांग अडा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फिल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाह वैंकुटापुरम लो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला वेंकुटापुरम लोग टेलीविजन पे प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफी हद तक इस फिल्म को काफी बार देख चुके है अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अलाह वेंकुटापुरम लोग फिल्म में टोटल आपको छह गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्राज जवागमना दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना है ओ ओमाई को डेडी चौथा गाना है बूटा बोमा पांचवा गाना है अला वेंकुटापुरम लो टाइटल ट्रैक छठा गाना है सितारला सितपरू इन इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए हैं उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पर अवेलेबल है जिसको आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है जिसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते तो अला वेंकुटा लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमांस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शेजादा के मेकर्स थे जो अला वेंकुटा लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविज़न पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविज़न पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलाविंग कोटापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पे YouTube पे फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म YouTube पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोल के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट्स है नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगु लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कम्पनी अपने बॉस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का बीवी दोनों दो प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिकवेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वो सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश की हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन सिक्वेंस

इसके अलावा म्यूज़िक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे स्मन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते सम्राज्यवमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल हो

और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को शेयर किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको जरूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलती ये फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत है ना तो कुछ ऐसे वलगा वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस डायरेक्टर का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अवल दर्जी की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स इस पे हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि, कि गोलमाइन के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मीनी टीवी ने सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ

देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविज़न पे फिल्म ज़रूर इन्जॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अल्लाह वेंकुटा लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अलाव वेंकुटापुरम लोग फिल्म को ए के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पे फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले writing ये सभी चीज़ें उन्होंने ही क्रिएट किए हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहां पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासिन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे था था। था। था इस फिल्म में जिसके चलते यह बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट बजट को जस्टिफाई जस्टिफाई किया हुआ है है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने ये आसानी से हो जाता कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राज मनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समूथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सून सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद पद्म सूरी राहुल रामाकृष्णन मेनेला किशोर अजय तनिकेला परानी ब्रह्माजी रोहिणी स्वरी राव चम्पक चंद्र आदि कल्याणी नटराजन श्री वैष्णवी चैतन्य और ब्रह्मानंदम जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी एस विनोद ने किए एडिटिंग की हुए नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे स्थम ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफ़ी दमदार है जो काफ़ी बड़ी मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो सौ करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज किया गया था जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई एम डीबी पे इस फिल्म को करीबन सोलह हजार वोट मिले थे जहां पे दो सौ बासठ करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे इस करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी जहां पे फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पे जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने 100 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और 2020 में ये फ़िल्म ने 2 मिलियन ग्रोस कलेक्शन यूएस बॉक्स ऑफिस पे टच किया हुआ था इसी करने वाली ये पहली फिल्म थी 2020 की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आती है और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज के बाद ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई है जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियेटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने दो करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की ये फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 हजार की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जहीं वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे तिरसठ करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस ब्लॉक बस्टर का टेग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहां पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दो सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे वहां पर और उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पे फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते ये फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डायरेक्शन एक्टिंग और म्यूजिक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहां पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का्तिके ने जो अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाले लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज़ करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बेंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और प्रीति जिसकी शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लोजुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अलाउन को टापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फिल्म के गानों को और फिल्म के डबिंग पर ध्यान दे कंप्लीट करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शहजा के मेकर्स ने टाँग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फ़िल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीजन है जिसके चलते अला वेंकुटापुरम लो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला वहींटापुरम लोग टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो अला अलावेंटापुरम फिल्म में टोटल आपको छह गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है दूसरा गाना है रामुलो रामुलो तीसरा गाना 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 है 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 डेडी चौथा अलाव वेंटापुर टाइटल ट्रैक छठा गाना है, गाना है, पुरम लो टाइटल गाना है इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ है वो है इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सभी गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पे अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल नहीं है जिसके अलावा यह फिल्म आपको कहां पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते हैं तो अलाह वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज करते हुए जो शेजादा के मेकर्स थे जो अलाह वेंकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अड़ा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलाविंग को टापुरम लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविजन पे देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पर यूट्यूब पर फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म पे अवेलेबल होगी तो वो आपको ऑफिशियली के के देखने, देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने तेलुगु लैंग्वेज में विध सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहां पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इंजॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दो तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहां पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी के अपने बोस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहां पे रामचंद्र का बीवी और वाल्मीकि की बीवी दोनों प्रेग्नेंट है और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी जिंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिकवेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन

इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे थमन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते समराज्यवगमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होते होता है कैमरा वर्क पे एस विनोद ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है इस पूरी फिल्म को काफी कलरफुल मैनर में हर एक फ्रेम को रिच फ्रेम के थ्रू सेट किया हुआ था और हर एक फ्रेम आपको काफ़ी रीत नजर आएगी जिस तरह से उन्होंने सभी चीज़ों को शोकेस किया हुआ है हैलुआज के किरदार को शोकेस किया हुआ है वो आपको ज़रूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है उन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तर, तरीके से डिरेक्ट किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलते थी है, फिल्म काफी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत ना तो कुछ ऐसे वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जैसे कि सभी का का टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दर्जी की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड के पास जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल हिंचक पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पर इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी टी ने सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ फिल्म आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर भी विथ इंग्लिश सब टाइटल देखने को मिलेगी जिसको रिलीज किया हुआ है वही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही इसके अलावा इस फिल्म का जो टेलीविजन प्रीमियर है वो जेमिनी मूवीज और जेमिनी टीवी पर दो को ही प्रीमियर करवा दिया गया था जहां पे तेलुगु वर्जन आप आसानी से इंजॉय कर पाओगे फिल्म का तमिल वर्जन है उसको सन टीवी के ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलगू टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था उन्तीस का तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फिल्म का क्रेज मार्केट में कितना है फिल्म किस कदर बनी होगी जिस वजह से लोग इस फिल्म को काफी बार देख चुके हैं थियेटर में इतने चलने के बाद भी अगर टी, टीवी पे इतनी टीआरपी आती है आज के समय पे जब ओटीटी का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियल देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविज़न पे ये फिल्म जरूर इन्जॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म ज़रूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोल के यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं किया हुआ है तो इस तरह से सभी वर्जन में इस फिल्म को आप इंजॉय कर पाओगे अलाव वेंकुटापुरम लो जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है देर इज़ इन वेंकुटापुरम अलाव वेंकुटापुरम लो फिल्म को ए बी पी एल के नाम से भी जाना जाता है ये 2020 की एक तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है जहाँ पे एक्शन ड्रामा के अलावा डायरेक्टर ने काफ़ी सारी चीज़ों को भी दिखाया हुआ है जहाँ पर फिल्म में इमोशंस रोमेंस इसके अलावा कॉमेडी सभी चीज़ों का एक भरपूर मिश्रण करके डाला हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर है त्रिविक्रम श्रीनिवास इसके अलावा उन्होंने इस फिल्म का स्टोरी आइडिया भी क्रिएट किया हुआ है scripting, screenplay, writing. ये सभी चीजें उन्होंने ही क्रिएट की हुई है मतलब प्रॉपर वे में क्रिएटर त्रिविक्रम श्रीनिवासी है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो अल्लू अरविंद जो अल्लू अर्जुन जी के पिता है इसके अलावा इस राधा कृष्णा इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे खुद की प्रोडक्शन कंपनी गीता आर्ट्स और हरिका हासिन क्रिएशन के नीचे इस फिल्म को क्रिएट किया गया है जहाँ पे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट गीता आर्ट्स ने ही करवाया हुआ है इस फिल्म को करीबन सौ करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ है किसी एक लैंग्वेज में बना बनने वाली फिल्म में ये बजट काफी हाई होता है लेकिन उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थे इस फिल्म में जिसके चलते बजट आसानी से कवर हो सकता है जिसके ही चलते प्रोड्यूसर्स ने इस बजट को जस्टिफाई किया हुआ है क्योंकि अल्लू अर्जुन के सामने बजट आसानी से जस्टिफाई हो जाता है कास्टिंग की बात करें तो अल्लू अर्जुन आपको बंटू के रोल में दिखाई देंगे पूजा हेगड़े अमूल्या के रोल में दिखाई देंगी तबू आपको यशोदा के रोल में दिखाई देंगे जयराम आपको रामचंद्र के रोल में दिखाई देंगे सुशांत आपको राजमनोहर के रोल में दिखाई देंगे इनके अलावा निवेदा पेथुरा समूथी रकानी मुरली शर्मा नवदीप सोनी निल, सचिन खेड़ेकर हर्षवर्धन राजेंद्र प्रसाद गोविंद पद्म सूरी राहुल रामाकृष्णन अजयलाव चमक चंद्रदी कल्याण सौगंध वैष्णवी चैतन्य और ब्रह्मानंदम जैसे कई बेहतरीन आर्टिस्ट आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी पी विनोद ने की हुई एडिटिंग की हुई नवीन नुल्ली ने जो एक नेशनल अवॉर्ड विनर एडिटर है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और सॉन्ग्स दोनों ऐसे स्थान ने क्रिएट किए हुए और दोनों काफ़ी दमदार है जो काफ़ी बड़ी वे मात्रा में हिट साबित हुए फिल्म के गाने काफ़ी बड़ी तरह से ब्लॉकबस्टर साबित हुए इसके अलावा इस फिल्म के रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो 100 करोड़ के बजट के साथ सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 12 जनवरी 2020 को फिल्म को थिएटर में रिलीज़ किया गया था जहां पे क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते आई पे इस फिल्म को करीबन सोलह हजार वोट मिले थे जहां पे सात पॉइंट तीन की एवरेज रेटिंग के साथ दो सौ बासठ करोड़ से भी ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसे करते हुए यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉक साबित हुई थी जहां पर फिल्म ने काफी धमाका मचाया था पहले दिन पे जो वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन था फिल्म का वो फाइव करोड़ था पहले वीक में फिल्म में जिस तरह से काम किया हुआ था डोमेस्टिकली फिल्म ने सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था और दो में ये फिल्म ने दो मिलियन ग्रोस कलेक्शन यू बॉक्स ऑफिस पर टच किया हुआ था इसी करने वाली ये पहली फिल्म थी दो की इसके अलावा इस फिल्म ने पहली बार दो करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ है अल्लू अर्जुन त्रिविक्रम श्रीनिवास के लिए यानी कि अल्लू अर्जुन और त्रिविक्रम के करियर में ये एक पहली फिल्म थी जिसने 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और किसी भी साउथ इंडिया की फिल्म आ और विदाउट हिंदी वर्जन इतना बड़ा कलेक्शन करके दे पाना काफी मुश्किल बात होता है और बाहुबली सीरीज के बाद ऐसी ऐसा करने वाली ये एक दूसरी तीसरी फिल्म साबित हुई है। जिसने करीबन डेढ़ करोड़ का नेट कलेक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही करके दिखाया हुआ था फिल्म का जो थियटिकल रन है वो कंप्लीट करते करते इस फिल्म ने दो करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और ऐसा करने वाली तब के समय अल्लू अर्जुन की हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई थी फिलहाल में उनके करियर की पुष्पा सबसे हाइएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है और ऐसा करने वाली उस समय की ये फिल्म तेलुगु वर्जन की उस 2020 की सबसे हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक थी तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोस कलेक्शन हासिल किया था जही वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कलेक्शन भी काफ़ी हाई थे एक करोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कलेक्शन किए हुए थे जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक का टैग आसानी से ले गई थी और उसी के चलते फिल्म बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी जहाँ पर फिल्म ने पहले दिन पे चौवन करोड़ का इंडिया में ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तीन दिनों में सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था नौ दिनों में दोस्तों 200 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था इस तरह से इस फिल्म ने काफी बेहतरीन वे में बम्पर कलेक्शन किए थे वहां पर उसी तरह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 200 करोड़ का दो कलेक्शन फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से क्रिएट किया था उसी के साथ छब्बीस करोड़ का शेयर कलेक्शन कर्नाटक से किया हुआ था तो इस तरह से अलग अलग लोकेशन पर फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और इसी के चलते फिल्म दो करोड़ तक पहुंच गई थी जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉक साबित हुई थी उसका मेन रीजन है फिल्म की जो राइटिंग डिरेक्शन and acting. और म्यूजिक इन सभी चीज़ों के चलते क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर गई थी फिलहाल में इस फिल्म का तमिल और हिंदी वर्जन में रीमेक बन रहा है जहाँ पे तमिल वर्जन की बात करें तो तमिल रीमेक राइट्स खरीदे हुए शिव का्तिके ने जोहलू अर्जुन का रोल खुद प्ले करने वाले और वही उस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले जहाँ पे इस फिल्म में उनके अपोजिट शायद अभी तक का एक्ट्रेस डिसाइड नहीं किए कौन कास्ट होने वाले लेकिन इस फिल्म का जो तमिल डब्ड वर्जन है जिसका नाम था वेंकुटा पुरम जिसको रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में रीमेक राइट्स के चलते उस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था लेकिन बाद में फिर से इस फिल्म का वेंकुटा पुद्रम के नाम से डब्ड वर्जन तमिल डब्ड वर्जन रिलीज़ करवा दिया गया था शायद इस फिल्म के तमिल रीमेक राइट्स जो खरीदे हुए थे लेकिन शायद रीमेक का प्लान ड्रॉप हो चुका है लेकिन हिंदी वर्जन अभी भी फिलहाल में रीमेक बन रहा है जिसका नाम है शेजा था जहाँ पर वरुण धवन के भाई रोहित धवन इस फिल्म को डरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म का बैंक रोल कर रहे राधा कृष्णा जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है इसके अलावा इस फिल्म के लीड कास्ट में कार्तिक आर्यन और कृति से जिसकी वजह शूटिंग काफी ज्यादा हद तक कंप्लीट हो चुकी है और यह फिल्म आपको आने वाले कुछ समय में जल्द जल्दी थिएटर में देखने को मिलने वाली है पहले जिस तरह से पुष्पा रिलीज हुई थी उस टाइम पे हिंदी मार्केट में अल्लू अर्जुन का क्रेज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ चुका था जिसके चलते गोलमाइंस वालों ने फैसला लिया था कि अलाउनकोटापुरम लो फिल्म वो हिंदी में थिएटर में रिलीज़ करेंगे डब करवा के जिस वजह से उन्होंने काफ़ी खर्चा करके फिल्म के गानों को और फिल्म की डबिंग पर ध्यान दे के करवाया हुआ था जब रिलीज़ की बारी आई तब शहजा के मेकर्स ने टांग अड़ा दी और उन्होंने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ नहीं होने दिया जिसके चलते फ़िल्म को डायरेक्ट टेलीविज़न पे प्रीमियर किया हुआ था तो यही रीज़न है जिसके चलते अल्लाह उन्कुटापुरम लोग हिंदी में थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई थी अब देखते हैं कि ये फिल्म यानी कि शहजादा किस तरह से हिंदी वर्जन में थिएटर में कमाल कर पाती है क्योंकि अला उन्कुटापुरम लोग टेलीविज़न पर प्रीमियर हो चुकी है और लोगों ने काफ़ी हद तक इस फिल्म को काफ़ी बार देख चुके अब हम बात कर लेते इस फिल्म के म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर तो पुरम लो फिल्म में टोटल आपको छः गाने सुनने को मिलेंगे और इसमें पहला गाना है सम्राजमना रामुलो, रामुलो, लो टाइटल गाना है ला तो इन सभी गानों की जो टोटल लेंथ इक्कीस मिनट छप्पन सेकंड और सभी गाने काफी बढ़िया तरीके से हिट साबित हुए थे जिसके राइट से आदित्य म्यूजिक के पास जिन्होंने काफी बढ़िया मात्रा में इसके व्यूज हासिल किए हुए उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर गाने अवेलेबल है वहां पर आप इंजॉय कर सकते हो साथ ही में मलयालम और तमिल वर्जन भी वहीं पे अवेलेबल है जिसको आप आसानी से एंजॉय कर पाओगे तो दोनों तीनों वर्जन में ये गाने अवेलेबल है सभी वर्जन में गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे हिंदी वर्जन में गाने डब किए गए लेकिन ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल नहीं है इसके अलावा ये फिल्म आपको कहाँ पे कैसे देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम आप बात कर लेते हैं तो अला वेंकुटापुरम लोग फिल्म के पहले तो हिंदी राइट्स के ऊपर बातचीत कर ले तो रिलीज से पहले ही गोलमाइंस वालों ने इसके राइट्स ख़रीद लिए थे जहां पे गोलमाइंस वालों ने फिल्म को सेम नाम के साथ डब करवाया हुआ था जिसके चलते मेकर्स ने इस फिल्म को बाद में थिएटर में रिलीज़ करने का फैसला लिया क्योंकि पुष्पा हिट साबित हुई थी लेकिन पुष्पा के बाद रिलीज़ करते हुए जो शहजादा के मेकर्स थे जो अलाह वकुटापुरम लोग का रीमेक बना रहे उन्होंने टांग अडा दी जिस वजह से फिल्म को टेलीविजन पर रिलीज करना पड़ा लेकिन टेलीविजन पर भी अच्छी खासी टीआरपी हासिल की हुई की हुई थी जहाँ पे गोलमाइंस वालों ने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से डब करवाया हुआ था और उनके ही टेलीविज़न चैनल यानी कि ढिंचाक चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था फिलहाल में उस चैनल का नाम बदल के गोलमाइंस टेलीविज़न हो चुका है यानी कि गोलमाइंस नाम रख दिया गया है चैनल का नाम ढिंचाक से बदलकर गोलमाइंस कर दिया है तो गोलमाइंस के ऊपर भी ये फिल्म काफ़ी बार प्रीमियर हो चुकी है तो अलाविंग पूर्म लो फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो ऑफिशियली अगर आपको टेलीविज़न पर देखना है तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा टेलीविज़न पर वहीं पे यूट्यूब पे फिलहाल में ऑफिशियली इस फिल्म को फ्री में अवेलेबल नहीं किया गया है ना तो ये फिल्म ऑफिशियली यूट्यूब पे अवेलेबल है लेकिन जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पे ऑफिशियली अवेलेबल होगी तो वो आपको गोल के चैनल के ऊपर ही देखने को मिलेगी यानी कि गोल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी अगर आपको फिल्म का तेलुगु वर्जन देखना है तो उसके राइट से नेटफ्लिक्स के पास जिन्होंने इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल तेलगू लैंग्वेज में विथ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल किया हुआ है तो वहाँ पर जाके आप इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे कहानी के ऊपर मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग दूँ तो फिल्म में आपको वाल्मीकि और रामचंद्र दो दोस्त देखने को मिलेंगे जहाँ पे दोनों अपने करियर की शुरुआत एक ही कंपनी से करते और उसी कंपनी में रामचंद्र को उस कंपनी अपने बॉस की बेटी से प्यार हो जाता है जिसका नाम है यशोदा उससे वो शादी कर लेता है उस कंपनी को वो और बड़ा बना देता है जिसके चलते वो कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है लेकिन वाल्मीकि उसी कंपनी में अभी भी वही जॉब कर रहा है काफ़ी सालों के बाद तो एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे रामचंद्र का बीवी और वाल्मीकि की बीवी दोनों प्रेग्नेंट हैं और वो दोनों दोनों बच्चे को जन्म देती है जहाँ पे दोनों लड़के को जन्म देती है तो वाल्मीकि अपनी चालाकी से दोनों बच्चों को बदल देता है रामचंद्र के बेटे को अपनी वाइफ के साथ रख देता है उसके बाद में वो अपने बेटे को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है जिस वजह से वो रामचंद्र के पास अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसके बाद में अब किस तरह से अल्लू अर्जुन और सुशांत को ये सभी चीज़ें पता चलती है किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं किस तरह से इन सभी चीज़ों को इन सिचुएशन को हैंडल करते हैं साथ ही में आगे फिल्म की कहानी में इन सभी चीज़ों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो एक्शन सिक्वेंस रोमेंस इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन किस तरह से डाला हुआ है वह सभी चीज़ें फिल्म को बेहतर बनाती है तो ये बेसिक कहानी में फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से त्रिविक्रम श्रीनिवास जो फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने हमारे सामने चीज़ें पेश किए हुए फिल्म का स्क्रीन प्ले उनका काफ़ी तगड़ा था डायलॉग्स काफ़ी बेहतरीन थे एक्शन

इसके अलावा म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म में काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ है ऐसे स्मन का जो बैकग्राउंड स्कोर है फिल्म को सीन को और बेहतर बना रहा है फिल्म के गाने और अच्छे थे बूटा बोमा और साथ ही में अलग अलग जो सॉन्ग्स देखने को मिलते हैं ओ माई गोड डेडी सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे और फिल्म देखते समय वो गाने हमें ज़रा भी खलते नहीं है सुनने में काफ़ी मजा देते समराज्य गमना और ऐसे कहीं बेहतर बेहतर गाने जो काफ़ी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित हुए थे तो म्यूज़िक फिल्म का काफ़ी बढ़िया है जिसकी वजह से फिल्म का वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट में शामिल होता कैमरा वर्क पी एस विनोद ने अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है इस पूरी फिल्म को काफी कलरफुल मैनर में हर एक फ्रेम को रिच फ्रेम के थ्रू सेट किया हुआ था और हर एक फ्रेम आपको काफी रिच नजर आएगी जिस तरह से उन्होंने सभी चीजों को शोकेस किया हुआ है के किरदार को शोकेस किया हुआ है वो आपको जरूर पसंद आने वाला है इसके अलावा एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है उन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है लेकिन ज़रा भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये फिल्म पौने तीन घंटे की है जिस तरह से फिल्म को सभी तर, तरीके से डिरेक्ट किया हुआ था जिस तरह से नेरेट किया हुआ है और साथ ही में एडिटिंग में जिस तरह से उस कहानी को सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें आपको ज़रूर पसंद आएगी तो इस तरह से ये फिल्म सभी डिपार्टमेंट में काफ़ी बेहतर थी जिसके चलते ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी लोगों को पसंद आई थी फिल्म में ना तो बोरियत है ना तो कुछ ऐसे वल्गारिटी वाले सीन है जिस वजह से ये फिल्म आप इग्नोर कर पाओगे लेकिन इस फिल्म में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंस डायरेक्टर का, का काम टेक्निकल डिपार्टमेंट में म्यूजिक एडिटिंग सिनेमेटोग्राफी काफी अव्वल दसे की जिस वजह से ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स जैसे कि मैंने कहा कि गोलमाइन्स के पास से जिन्होंने फिल्म को डब करवा दिया है उनके टेलीविजन चैनल ढिंचाक पे उन्होंने इस फिल्म को प्रीमियर करवाया हुआ था लेकिन बाद में वो चैनल का नाम बदल चुका है जिसके चलते अब ये फिल्म आपको गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर फ्री में टेलीविजन पे ऑफिशियली देखने को मिलेगी यूट्यूब के राइट्स गोलमाइंस के ही पास है लेकिन उन्होंने अभी तक यूट्यूब पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया है जब कभी भी फिल्म यूट्यूब पर ऑफिशियली प्रीमियर होगी तो गोलमाइंस के चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा इस फिल्म के जो तेलुगु वर्जन के राइट्स है वो खरीदे हुए जेमिनी मिनी टी ने सेटेलाइट और डिजिटल राइट्स दोनों जिसके चलते सन नेक्स्ट के ऊपर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तेलुगु वर्जन में उसी के साथ

ऊपर प्रीमियर करवाया हुआ था और इस फिल्म का जो तेलुगू टीआरपी वो काफी हाई था उस समय का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टीआरपी था मार्केट में इतने चलने के बाद भी अगर ती, टीआरपी आती है आज के समय पर जब ओ का समय है उस टाइम पे तो काफी बड़ी बात है इसी के चलते इस वजह से मैं कह रहा हूं कि गोलमाइंस के ऊपर आपको अगर ये फिल्म देखने तो ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी जहाँ पे टेलीविज़न पे ये फिल्म जरूर इंजॉय कर पाओगे अगर से ज़्यादा फिल्म नहीं देखना चाहते हो तो ये फिल्म जरूर देख लीजिएगा ये फिल्म काफ़ी बढ़िया होगी जिसकी वजह से आपको से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी से ज़्यादा रीमेक है वो भी बॉलीवुड बना रहा है तो उसमें शायद कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा जिसके चलते अगर आप फिल्म अभी तक नहीं देखे हो तो गोलमाइंस के टेलीविजन चैनल के ऊपर जरूर देख सकते हो यूट्यूब पर गोलमाइंस के यूटूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को प्रीमियर ऑफिशियली करवा जाएगा तो वहीं पर ही देख पाओगे अदरवाइज़ कोई भी ऑफिशियली इस फिल्म को हिंदी वर्जन में

ये पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू